ईवीएम मशीनों की सुरक्षा राज्य सरकार और चुनाव आयोग के निर्देश पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी पड़ती है। लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम के रखे जाने और स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जिस प्रकार से अनियमितताएं चुनावी राज्यों में सामने आई हैं, वह सरकार की मंशा को साफ स्पष्ट कर देता है कि सरकार ईवीएम में जोड़-तोड़ के भरोसे ही चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। ऐसा क्या कारण है कि ईवीएम के तमाम सवाल उठाए जाने के बावजूद सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और अनेक जो इस तंत्र में जुड़े हुए लोग हैं, वह इतनी बड़ी लापरवाहियों को अंजाम दे रहे हैं? और यदि कांग्रेस के लोग ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने बाहर पहरा ना देते तो आज ये शायद घटनाएं सामने ना आती। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अधिकारियों की अकर्मण्यता के साथ घटती जा रही है। यदि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता और ईवीएम की सुरक्षा के संबंध में कांग्रेस द्वारा सुझाए गए उपायों को ना किया तो निश्चित रूप से 2014 के चुनाव का इसका असर जाएगा और देश की जनता ईवीएम में धांधली करने के जो बीजेपी के प्रयास हैं इसके खिलाफ अपने मत का प्रयोग करेगी। देश की जनता को यह भी जानना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में सरकार की पहली जिम्मेदारी है, जिसे निभा पाने में कम से कम यह सरकार तो विफल साबित होती जा रही है।